दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए साथियों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है, सर्च बार में आना है और सर्च बार में आपको लिखना है साथियों, यूनिराज एडमिट कार्ड। फर्स्ट में जो वेबसाइट आ रही है साथियों, डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में साथियों आपको थ्योरी एग्जाम एडमिट कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऐसे दिखाएगा तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके जो यहाँ तक का जो हिस्सा है वो डिलीट कर देना है, वापस से सर्च कर लेना है। इसके बाद में साथियों फिर से यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम जो है क्लियर कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी जो है एग्जाम क्लियर कर ली है और प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। ये कह रहा है कि यू कैन प्रिंट एडमिट कार्ड, कि आपको पहले लॉगिन होना पड़ेगा, उसके बाद में ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। तो साथियों पहले की तरह नाम से डाउनलोड नहीं होगा, अब आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको फिलअप करने होंगे। तो साथियों मैं अपनी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में लॉगिन हो जाओगे साथियों आपको, फिर इसके बाद में प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जो आपके एग्जाम थी वो आपको फिर से यहाँ पर लिखनी है, यूजी जो भी है आपकी यूजी पीजी, और यहाँ पे आपको जो आपके पार्ट्स है कौन से है बीए के, वो आपको चुन लेने हैं, नॉन है या रेगुलर, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनसी लिखा हुआ है यानी नॉन है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर फिलअप करने के बाद में प्रोसेस पे आप क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब आप यहाँ से प्रिंट भी इसका दे सकते हो।